हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एसएस मार्केट न्यूज़ की तरफ से। और इसी के बीच एक और धमाकेदार खबर, टाइटल आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा ने निफ्टी के टारगेट बढ़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ज़ोरदार तेज़ी के बीच गोल्डमैन और नोमुरा ने बढ़ाया निफ्टी का टारगेट। अब आपको बता दें कि कितने टारगेट यहाँ पर रखे हैं निफ्टी के लिए, वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा के द्वारा। और दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों ने निफ्टी के टारगेट जो बढ़ाए हैं उनमें है गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा का मानना है कि बाज़ार में तेज़ी जारी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है तो बाज़ार में तेज़ी जारी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट से एग्जिट होना है, लेकिन अलर्ट ज़रूर रहना है। कभी भी इंट्राडे में ऑपरेटर थोड़ा सा गेम बदल सकता है और आपको नीचे झपकी दे के वापस से मार्केट को उठा सकता है, यानी कि जो इंट्राडे जो काम करेंगे ना उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मार्केट में वोलेटाइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आपको बता दें जो टारगेट दोस्तों रखे हैं, देख सकते हैं दिग्गज ब्रोकरेज जो फर्म है गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा का माना कि बाज़ार में तेज़ी जारी रहेगी। और निफ्टी 50 का जो 11% तेज़ी के साथ उन्होंने बताया कि 14,100 के स्तर तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि 14,100 तक निफ्टी अभी और पहुँचना है। और जो आपको बता दें नोमुरा ने इस इंडेक्स को 13,640 का स्तर दिया है, जो उसमें करीब 8% तक की बढ़त दिखाता है। ठीक है, यानी कि 14,100 तक अभी निफ्टी जा सकता है, ऐसा किनका मानना है, गोल्डमैन सैक्स का मानना है। तो ये एक बड़ी खबर है और इस खबर में देख सकते हैं बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट में, जो कि मार्केट में उठा पटक भी रहेगी कि निफ्टी जरूर नहीं है 14,100 जाए, निफ्टी वापस से 12,000 के नीचे भी खिसक सकता है, क्योंकि ये एक गेम प्लान होगा वो प्रचाल होगी और इंट्राडे में स्टॉप लॉस भी आने के चांसेस रहेंगे। देखो 14,100 भी जा सकता है मार्केट, ठीक है 12,000 भी आ सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ा सा जो मार्केट से सावधान होकर काम करना है, प्रॉफिट आए तो उसमें निकलना उचित रहेगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों यहाँ पे जो अब उठा पटक है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पहले से लाइफ टाइम हाई पे पहुँच चुका है और उसके पश्चात मार्केट नीचे से बहुत ज़्यादा बाउंस यहाँ पे दे चुका है। फिर भी आपको मैं बता दूँ मार्केट में यहाँ पे 200-300-500 पॉइंट के उछाल आए, उसमें आपको उछाल में निकलना जरूरी है। अगर उछाल मार्केट देता है तो आपको पोर्टफोलियो अगर प्रॉफिट में तो उसमें निकलना जरूरी है एक बार। ठीक है, अब देखो गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बाजार की रेटिंग बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि देश में इक्विटी निवेश बढ़ रहा है। ब्रोकरेज ने कहा वैक्सीन जल्दी आने की खबर से सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, इससे इक्विटी में निवेश बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अब पिछड़ने वाले शेयर रफ्तार पकड़ सकते हैं, ये रिकवरी बुनियादी वजहों पर आधारित होगी। अब दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि मार्केट में देख सकते हैं मार्केट में तो बढ़ोतरी आएगी, ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्केट जो अब ज़्यादा जो शेयर चलेंगे दोस्तों वो मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल के भी शेयर चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर चल चुके हैं वो BSE का जो सेंसेक्स ऑलरेडी उसके 30 शेयर चल चुके हैं, निफ्टी के जो भी 50 शेयर है वो ऑलरेडी चल चुके हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी के कुछ शेयर अभी चलने बाकी हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो टॉप शेयर है वो तो चल चुके हैं, कुछ शेयर उनके बाकी हैं। बैंक निफ्टी के जो भी स्मॉल कैप के शेयर है वो उसमें चलना बाकी है। बाकी जो अब ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में देखने को मिलेगा, ना कि निफ्टी एंड सेंसेक्स के शेयर में। हाँ, इसमें हो सकता है, लेकिन जो अगर मैं परसेंटेज की तुलना में देखूँ तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न यहाँ से निकाल के देने वाले हैं मार्केट में। भाई भाई दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों अभी कर डाले, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं लेकर आता हूँ डेली के डेली। भाई भाई दोस्तों, जय हिंद।